हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। कुछ में ना जी, सब में है हम राजी।
तुझसे पूछिला कागा बटिया हो किकरा खातिर चढ़ के बोलिला कठवा हो किकरा खातिर चढ़ के बोलिला कठवा हो किकरा खातिर दुश्मन अनाज के मैं दुखा नाच गाना चल 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 जाके दुखा तो दुखा तो चल चल जाके खाना लगाओ। ठीक है। ये सब कहा शांति सब तोहरे खातिर हो रहा बा। ए अच्छे से सफाई कर। हाँ जी मालकिन। कराओ तनी हम उनका नाच गाना। काका आपके पसंदीदा भिंडी की सब्जी और घी से सनल रोटी और माई खातिर दादा आलू बटर की सब्जी और बिना मक्खन निकाला दही खाके बताई कैसन बा। ठीक है बा। ठीक बा। नीमल नहीं खे बनर हाय दिन भर टिटिरिया नियर पटर 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 करत रही। अरे औरो कुछ आवेला है आवेला कुछ हाय रूखा सूखा बना के बड़का तीर मार रहल बड़ी। कितना मेहनत से बनौली फिर भी अच्छा ना बनल। एक काम करी माई हमरा के मारी ताकि हम ये दोबारा गलती ना करी। मारी मारी चल हट। शांति के शांति से खाए दे। अरे करे ये घर के काम क्या करी तो हर माई बाबू सुरक्ष उतर के यहाँ। शांति तू शांति से खाना खा। गुंजा सवेरे से काम पे काम कर रहल बिया पहले तू खा ला अबे वो कुछ खा पी के सब काम कर दी। ढेर बोल बा। पहले घर के सब काम होकी ओकरे बाद खवाई होकी। ए कलिए से आटा पिसावल गई बा के लेके आई। मालकिन मालकिन हम जाके ले आई। तू जाके गोबर साफ कर घर से निकाल दे और जो जल्दी भाग भाग के जा और दौड़ दौड़ के आटा लेके आ। हम साइकिल से जाए तो जल्दी आई। अरे जो ना बाबा जैसे जाए के बा। और काका सब ठीक बा बहुत मजा आ रहा बा। विक्की भैया कितने बार समझौनी कि ई दारू वारू मत पिया इतना बड़ा पेट निकाल ले ले बाड़ा इतना बड़ा बाल बढ़ा ले ले बाड़ा ऊपर चीटी चढ़तिया चप्पल कहीं आप कहीं काम काज करा माई बाबू का ख्याल रखा कुछ ख्याल नहीं के चला घर जा। अरे गुंजिया दीदी बाजारे जा तो का है हमरा खातिर एक कदी और लेके आवा। थप्पड़ मिले थप्पड़। अरे जानवी कालवा बढ़िया चला चला हमरे साथे तोरा के लस्सी बना के पिलाई चला चला। दीदी हमरा के स्कूल जाए के बा। स्कूल जाए के बा। और राहुल कहाँ चल बा। सब बढ़िया बा दीदी। माई कैसन बिया सब बढ़िया बा। तभी ठीक बना एकदम खूब बढ़िया एकदम ठीक हो गई दवाई दियो ले रहनी ध्यान रखिया ठीक बा। माई से कहिया कि हम पूछत रहनी ठीक बा दीदी तू चला स्कूल के लिए देर नहीं किया। पर कहनी काका के साइकिल के ठीक करा दे। राम राम रंजीत भैया। राम राम बहनी कैसन बाड़ू एकदम चकाचक हमार गेहूं पिसाइल की ना काला के पिसा के रखल बा अपन आवा ले जा। का बात है भैया हमरा के लागल की लाइट ना रहल के बहाना करके रउवा लोग ताश खेलत होई बहुत बढ़िया। भैया
तनी बाट रखा था, वजन करी था, कितने किलो के हो गई नी? हाँ रखा भैया। कितना किलो बा? अरे गुंजा, पहले तो 60 किलो के रह लू, अब तो 55 किलो के हो गई। हाँ, तने ठीक से देखी ना? बेचारी के साथ काका काकी सौतेला व्यवहार करता है। जब से गुंजा के माई बाबू मर गई है, रउआ लोग ना कुछ भी बोले नी। हमार काका माई हमरा के बहुत प्यार करे नी, और माई बाबू के डांटना आशीर्वाद होला, प्यार होला। और रउआ लोग हमारे माई बाबू के बारे में ऐसा कुछ भी ना बोले, हमरा तो बिल्कुल अच्छा ना लगेला। हमार काका माई तो देवी देवता है, देवी देवता। अब बात छोड़ी, तनी हमारा आटा निकाली फटाफट। कापी में कितना आटा लिखल बा इनकर देख के दो। 40 किलो हमरा के याद बा। अच्छा 40 किलो रखा है, इनकर के देख के हटावा यार जल्दी। जल्दी निकाली 40 किलो तनी वजन है। दे दे दे। और हाँ, अरे हमरा के दी। और हिसाब ना डायरी में लिख ली। अरे अरे कुछ खा ले तू। नहीं हमरा के देर होता, हमरा के बहुत काम है। चली तेरी खींची हटाई। कितना संस्कारी बिटिया बा गुंजा, जेकरो घरे जाए उजियारा ही करती। अभय, ए अभय भाई। जायदा, लागता आज फिर केहू के सामत आइल बा। अभय प्रताप चौधरी, नाम तो तानी के सुनल रहा सब, लेकिन आज देख भी लेला सब। तानी के हमरा और हमरा लोगन के दुख दिल रहा सब। आज तानी का मैसन तरह दे कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाई कि पट्टी लगाई कि प्लास्टर। ई लो 500 रुपया और जाके अपन इलाज कराओ, चल भाग यहां से। आइल मजा हां ले, और ध्यान से सुन, चाहे मुंबई की गाड़ी पकड़ ली है, चाहे दिल्ली की, पर दोबारा अबे भैया के हाथ मत आइए, नहीं तो घरे का पता भूल जाइए। आजकल के गुंडा मवाली का ना केहू के डर है ही नहीं के, ना कानून के ना पुलिस के। केहू दिन पुलिस के हाथ लग जाइए ना, तब पता चली हमरा के का। चल गुंजा, बहुत देर होत बा। आ गई लू मटर गस्ती करके। उमाई, उ रास्ता में ना गुंडा लोग मारपीट करत रहे, वही जा रुक गए रहनी। हैं? तो तू का बन ले रहलू? नेताइन के मीडिया वाले? हम सब बुझता नहीं। एक गांव वाला तोरा के भड़कावत होकी। एकर का की, एकर माई बाबू के मरला के बाद एकरा के नौकरानी बना देलस। एकरा से घर का सारा काम करावेले, खायो के ना देले। हनु, तोहरा के बिचारी समझ के उ लोग खियावत पियावत होके इंसान हां ना। माई, हम केकरो घर काहे खाना खाए? हमरा घर में खुदे इतना खाना बा, हम केकरो घर ना खाई नी। ठीक बा ठीक बा, हम जानी ला तू कितना लायक बाड़ी। अब जा, जाके खेत में काका के पानी देके आवा, अब बोरी ले जाके अंदर रखा जा। मालकिन, हम जाके मालिक के पानी दे आई। चुप रे गधा, जब देखा बाहर जाए के बहाना ढूंढेला। जा जाके गया के नहलाओ। ए गुंजा, जो खेत में। का जा ना। ठीक बा मालकिन। इतना देर हो गेल, अभी तक पानी लेके नहाइल। बतावा पियासन हम का रे? काका, हम कब से पियासन मरत आनी, कहां मर गेल अभी? गुंजा, का सोचे थारु बिटिया? बिटिया हमके माफ करी,
भगवान हमरे भैया भाभी के अपने लगे बुला के तोरे साथे बड़ा न्याय कर ले बाड़ बिटिया। तू चिंता जिन करिए करो नीमन घर देख तो हर जल्दी से ब्याह कर दे। हम ब्याह हुआ कुछ ना करब, हम एजा रह के आपके और माई के सेवा करब। हाँ ना बिटिया, इस जमाने के रीत है जेके हमने के निभावे के पड़ी। हम कुछ ना जाने ली, पहले नीलम के शादी हुई और आजकल के लड़कन के कौनो भरोसा नहीं के। अच्छा सुना, चरी काट दे ले हैं, ओके लेके जा। ठीक बा, जा बिटिया। का गपेल? का भैया? बिना महतारी बाप के बिटिया है और ब्याह अच्छे से कह के विदा कह दिन जा। देखा, तू अपन सोच, अपने परिवार का सोच, अपने लगे रखा, हमरे घर परिवार के बारे में मत सोचा। ठीक है, जैसन मर्जी तोहर। भैया ही कनिया पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई बा, आ अपन घर के पूरा जिम्मेदारी संभालिए ले ले बड़ो, आ गांव में सब करा से बहुत बढ़िया संबंध भी हो गिल बा, तब तो अरे के ब्याह कर लेबे के चाहिए भैया। हाँ भैया, ये राजू ठीक कहा था। तनी के पता बा ना, जितना बड़ा खानदान होला ना उतने बड़ा बिजनेस फैला रहेला, और ये बरसों से पर केस चल रहा बा, और जब ले खत्म ना हो जाए तब ले कुछ करे के अभी मनसा नहीं खे। ये धंधा पानी फायदा नुकसान चलत रहला भैया, लेकिन जैया के नजर में गड़ जाए तही अपन जिंदगी बनावे खातिर परेशान हो जाए। देखा जी जब समय आई तो चल। चल खड़ा का बड़े घर में कितना काम बा, जो जल्दी जाके खाना बनाओ। दोपहरिये के गल रहलू, सांझ हो गई लावे में। हाँ माई, आप आराम करे, हम फटाफट खाना बनावा दे। बबलू कहाँ? हाँ गाहे बबलू तोर काम करी, पूजा घर साफ कर रहल बा, और जाके चुपचाप अपन काम कर। ठीक है, खाना में क्या बनाई? हमार मूड़ी। अरे जा ना, जाके कोनो बढ़िया खाना बनाओ, और ध्यान रहे रोज जैसन बकवास खाना बनल ना उहे में मूड़ी घुसेड़ दे। ठीक है माई, हम फटाफट बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाई रहुआ पसंद के। हाँ चल, दिमाग खराब करके रख दे लसा हमार, पता ना हमार बिटिया कब आई। ए बहन, भिनसहारा से तू काम करता रहू, कुछ खैलू पियलू की ना? अरे भैया मंदिर साफ भेल की ना? अरे मंदिर तो तू सवेरे साफ कर ले रहा, हमके तो मालकिन छोहाड़ा लेवे भेजले रहा। अच्छा चला खाला, माई काका के खिलाए के बाद खाई। हे भगवान, हमरा बहन के जल्दी से नरक से बाहर कर। तू जाना तड़ू, सिर्फ तोहरा खातिर हम एक घर में काम कर बनी। जाना दिन तोहर ब्याह हो जाए ना, हम अपन गाँव चल जाए। ओ दिन कब बनाई, काहे कि ई घर छोड़ के हम के नहीं होना जाए। अब बात बहुत हो गई, चला ओ जल्दी से आलू काटा, फटाफट सब्जी बनावे का। हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो, ए उठा। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं की सुनाई दे? हां आ गई आवाज, आ गई। हां मम्मी। अरे हम ई पूछत रहनी कि पढ़ाई लिखाई कैसन चल रहल बा? सब बढ़िया चला दे मम्मी, तू कैसन बाड़ू? और हम बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाला बानी। अच्छा, तनी हमहू के फोनवा दे ना, बेटी से नहीं बात कर ली। तू का बात करबा जी, हमरा से ज्यादा बेटी के चिंता बा। बात करिहन का कहतरन पापा? ए बेटा, खाना पीना ठीक से खा रहल बाड़ू ना? हाँ मम्मी एकदम। और फल बादाम छुआड़ा मुनक्का सब हम खाते हैं, टेंशन मत ले। और एक बात, अकाउंट में पैसा ऐसा बा ना होके तो बता दिया, भैया से कह के भेज दे। अरे ना मम्मी, सब बाटे हमरा पाले। अच्छा मम्मी, गुंजा कैसन बड़ी, तनी बात करावो ना। ओ नौकरानी से का बात करबे रे? अरे हम तोरा के शहर भेजले बनी डॉक्टर ही पढ़े खातिर, और जब बड़ा बड़ा घर के लेका लेकी से दोस्ती करके बतियाओ ना। नौकरानी से बतिया है। खाना तैयार बा, चली जल्दी खा ली। अब हम सवेरे बात करब। अरे बहन के फोन रहल, हमरा के बात करे के रहल। मारब एक तबड़ा, बहन से बात करी हन। और तोरा से हम कितना बार कहली अरे कि हमार बेटी के संगे कोनो रिश्ता जोड़े की कोशिश मत करबे। अब ते जो जाके फिर से खाना गरम कर। ठीक बा माई,
सत्यनाशी, तोहर भतीजी एकदम दिमाग में घुसल रहे। अब हमारे को बात ध्यान से सुना, ए बार के सारा फसल के बेचल पैसा सब हमरे बेटी के अकाउंट में जमा करा दिया। अब इतना पैसा बैंक में डाल के का होके, वो लड़की के तू बिगाड़ के रख देता। लड़की के बिगाड़ के रख दे चल। ए ये हमार बेटी घर के मालकिन हिया, सगरो खेत जायदाद की मालकिन हिया, जितना हम कही ला ना उतने करा। आज हम अपने बहिन के अपने हाथ से खियाए। भैया आप हमरा के इतना प्यार करेली, एक काम करिया, अगले जन्म में हमार भैया बन के आइए। हाँ बहिन, रिश्ता बनावे से ना निभावे से होला, और फिर हम तोहर भाई हैये हैं। हम जाना तानी, आज दिन भर से तू कुछ ना खेलू। हाय ला, अरे गुजुआ, सगरो किचन खा जेबे का? अरे जल्दी आ, गोर दुखाता। भैया आप खाना खाए, हम माई के पैर दबा के आवत हैं। ये शांति तो हमरे बहन के शांति से खाए बिना दिले, और अपन गोड़ में जावे खातिर बुला ले ले। ठीक से दबाइए तनी जोर से। ठीक बा, तनी जोर से दबाओ, खाई लेना का। ठीक है। हाँ भगवान जी, हमर माई बाबू के हमेशा खुश रखिया, और हमार बहन, हमार छोटकी बहन शहर में ना डॉक्टर की पढ़ाई करत दिया, उकरा के अच्छे नंबर से पास करिया, बहुत मेहनत करतिया। हे भगवान जी दया करिया। ए काम चोरनी, ऐ सवेरे से हाथ जोड़ के कौने देवता के मना रहल बाड़ी? ए तोर भाग लिखल भूल गइलन देवता, ऐ फूटल तकदीर लेके ना कोनो भगवान के मनावे के जरूरत नहीं के। जाके चारा काट और गाय के खाना खिलाओ, तनी मनी तोर भाग सुधर जाए। ठूसे खातिन भर थरिया, और काम के करी रे, तोर माई बाबू नरक से उतर के करी हन। अबे जा तनी दे थे चारा, चल जाओ। कम चोर कही, दिन भर पूजा पाठ करके पता न का करी हन। इका अनाप सना बोलो करेलू शांति, का है हमरे भैया भौजी घड़ी घड़ी शरापल करेलू? हम जितना बोली ला उतना सुनाई दे ला ना, अपन भैया भौजी से इतना ही प्यार बाना तो अपन कान में उंगली ठूसला, काहे कि हम तो बोलब। और हमारे को बात सुना, ई बार सगरो खेत में गन्ना लगा था, काहे कि सरकार बहुत ज्यादा पैसा दे रहल बा। ठीक बा जोन कबू तौ ना होई, लेकिन ई घर में तबार को चलते नहीं। और चली भी ना, अगर हमरे नैयरे से पैसा ना आत ना, ना ही खेत होखत ना ट्यूबवेल लागत। हाँ हम तो अपने ससुरा के सहारे जिंदा बानी, ई घर में रहे का? 5 लाख रुपया अभयू कर्जा बा, जोन तोहर भाई भौजाई के इलाज में खर्चा भेल रहे। हमार भाई देले रहे, हमार भाई, और वो मरला के बाद के क्रियाक्रम के खर्चा वो तो आज तक हम जोड़वे ना कही बात करत। कपड़ा धुल गईल, माई के कपड़ा भी धुल गईल, खाना भी बना लेनी, चारा भी दे देली।
नीलम काम आई शहर से छोटी आ रही बिया हमार बहिन चुप अब शुगनी बहिन आ रही बिया एक बार कहनी है ना कि हमार बेटी के अपन बहिन मत कहिए हैं देख हमार बेटी आ रही बिया ओसे एकदम दूरी बना के रखी बुझाई कहे कि हमार बेटी ना शहर में पढ़ी लिखी होशियार बिया और ते गांव के ऑन पर जाहिल गवार देख एकदम हमार बिटिया के कमरा चकाचक कर दिए और उकरे बाद जाके बाजार से ताजा ताजा सब्जी लेके ठीक ना ठीक हमारी अब ही बाजार जाते हैं सब्जी लाइव और मेल मेल के खाना बनाई अपन बहन खाती फिर बहन कहले सुधर बना करे एकदम ही पैदल बड़े काते पागल ए जो ठीक है हाँ बड़की बहन वाली दीदी नमस्ते नमस्ते ई गुंडा लोगन ना आए दिन यहाँ पर गरीब लोगन के सतावेलन आए दिन झगड़ा करेलन पर केहू कुछ काहे ना कहेला हाँ सब केहू खड़े होके तमाशा देखेला का करबू ए दीदी पावर और पैसा में ना बड़ा जोर होला और ई बाहुबलिन के मुंह लग के ना आपन जान जोखिम में डाले के कौनो जरूरत नहीं की अगर ये मार्केट में दोबारा नजर आईबे तईबे अपने दोनों गोड़ से लेकिन जईबे चार लोगों के कंधा पे काहे कि अबे प्रताप सिर्फ एक बार मौका देला दोबारा सांस लेबे का भाई चांस ना देला खैर छोड़ा ये सब आ ये बतावा धंधा कैसन चल रहा बा धंधा सब बढ़िया बनी दी अब दारू तो ना पियला ना अब दारू एकदम से छोड़ देनी ये बाल भी कटाला जल्दी से हां कटवा ले देख लो दीदी अब तू ही बतावा ये लोगों के मुंह लग के का फायदा बा बिल्कुल सही बोल रहा अब चला फटाफट हमरा का सब्जी दे दा काहे कि आज हमार बहिन शहर से आ रहल बिया जल्दी जल्दी सब्जी रखा ओकरा ये सब्जी बहुत पसंद आ अदरक नहीं खे अदरक ता नहीं खे दीदी कोनो बात नहीं हिसाब डायरी में लिख लिया ठीक बा दीदी राम 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 नीलम बिटिया तुहार पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलता नो हाँ पापा एकदम बढ़िया चलता अभी हमार बेटी आई ना कि पढ़ाई लिखाई के सवाल शुरू लौकत नहीं की हमार बेटा कितना दुबला गई भैया पढ़ाई के टेंशन में ठीक से खात ना रहलू ना अरे मम्मी एगो लड़का भले ही खा पी के कितना भी तंदुरुस्त हो लेकिन अपना माई बाप खाती हमेशा दुबरे पातर रहेला मम्मी वो गुंजा कहाँ बड़ी वो बिटिया गुंजा गई बा ए बेटा माई बाप से मिलके खुशी ना भेल तोहार जे नौकरानी के बारे में पूछ रहल बाड़ू अरे शहर में तोहरा की खातिन पढ़ावत है कि बड़का बड़का घर के लेकिन के तरह तोहरो व्यवहार रहे और तू वो जाहिल गवार के बारे में पूछ रहल बाड़ू गुंजा बहनी मार्केट गेल बानी तोहरा खातिर ताजा ताजा सब्जी लेवे चुप ऊ का जाई रे सब्जी लावे हमार बेटी आइल बिया ओसे हम भेजले बानी सब्जी लाए आ ते एजा खड़ा खड़ा का बकैती कर रहल बानी हैं जा जाके सामान लेके हमार बिटिया के जी मालकिन चल जाओ ए बेटा हाँ तू हमार महारानी हो तो वो नौकरानी के बारे में ना पूछो हमार बहन रुक जा हमार बहन आ गई हमार बहन आ गई कैसन बाड़ू हम ठीक बनी तू कैसन बाड़ू दुबरा गल बाड़ू आओ कारे कब से बाजार भेज ले रानी जरूर बाजार में मटर गस्ती करत रहले बुझा लाना तो बुझा लाना दिए गो अरे मम्मी ई का कर रहल बाड़ू अरे बेटा तू ना समझबी ई लौतन के बूत बातन से ना माने ले हमरा से गलती हो गई हमरा के ढप्पा मारी हमरो से गलती हो गई चला हमरो के मारा मम्मी जैसे हम तहार बिटिया बानी वैसे गुंजा भी तहार बिटिया बड़ी और भले ही हमने के एक कोक से पैदा नहीं की जा भाई लेकिन दोनों आदमी हमने के तहार बिटिया बानी जा
तोहरा के हम शहर पड़े खातिन भेजनी, गुंजा के तरफदारी करे खातिन ना। और ते ऐसा खड़ा खड़ा का पंचायत देख रहल बाड़ी, लौकत नहीं खे हमर बिटिया आइल बिया, जाके कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाई। ठीक है रुआ लोग बात करी, हाँ फटाफट अच्छा अच्छा खाना बना। हाँ, ठीक हाँ? चल। अरे बिटिया हम तो हर माई है, हम जानी लका करी कबा, और तो हर बहिन ना, ई घर के नौकरानी ही है नौकरानी। अरे मम्मी बस कौनो मम्मी उम्मी ना, चला चला हमरे संग चला। कहा बात बा बहिन, आज तो तब बहुत खुश लगा था। और नहीं तो का हमार बहन कितने दिन बाद घर आयल बिया, और कितना दूबर हो गयल बिया, ओकरा खातिर ना हम मेर मेर के खाना बनाई, ओकरा के ई साग बहुत पसंद आ। तब तो तारा खातिर खूब नया नया कपड़ा लायल हुई है। और नहीं तो का दीदी आवत तू बेटा हमने के साथे खाना खा। नीलम हम तोरा की ये खातिर पढ़ा लिखा रहल बानी का कि गवार जाहिल के संगे बैठ के खाना खाइबू। खाना खा। खाना नीमन बना गवार, खाना नीमन है ना। वाह दीदी वाह, का स्वाद बा। कलकत्ता के चमचमाई रोटी, पंजाब के पराठा और सब्जी जैसे लिट्टी चोखा, मजा ही आ गई। बिटिया गुंजा रोज ऐसे ही खाना बनावे ली। पापा हम सोचे तनी गुंजा के लेके शहर चल जी अपना साथे, और ओजे हमनी के दोनों आदमी बनाए जा और साथे खाए जा। इगवार का करी जाके शहर हैं? अरे खाना सब में बबलुआ के हाथ लगेला, तबे ना जाके स्वाद बनेला का। ए बेटा एगो काम करा, बबलुआ के लिया जा। अगर बबलू हमरा साथे जी हैं तो एजू के खाना के बनाई। गुंजा अरे ओकरा के हम घर के काम बाहर के काम कुल सिखा देले बनी, और हम बानी ना स्वाद देखे खातिर, बन जाई स्वादिष्ट खाना के सिखे लेबा। तू गुंजा के साथे इतना दुर्व्यवहार काहे करेलू, जबकि उहो एक घर के हकदार भी आ। हमरे काका का किनारा लन तक आ भई, जैसे तहां लो हमरा से इतना प्यार करे ललो, वैसे ही उकरा से भी कर सके ललो। ना उकरा के गो बेटी के परवरिश दे ललो, ना उकरा के पढ़े दे ललो, तब वो देखा ना वो बेचारी कितना हंस के सबसे बोल के बतिया के घर के सगरो काम करत रह ले। ये खातिर कि उई घर के बिटिया ही आ, ये से हम ओकरा के नौकरानी बना के रखले बनी। लाखों रुपया खर्च हो गई ओकर माई बापू की इलाज में, और ओकर माई बाप नरक सिधार गईलन। अभी बतावा कि पैसा के भरपाई के करी। गुंजा सगरो जिंदगी हमने के सेवा करी और अपन माई बापू के कर्जा चुकाई। और देखा बिटिया तू ज्यादा गुंजा की तरफदारी मत करल कर, तू अपनी प्यार ममता दया इकुल अपन पढ़ाई लिखाई में लगावा, काहे कि हम जोन कर रहल बानी वो तोहरे भलाई खातिन कर रहल बानी। ठीक बा, यही से बाकी कोनो तरफ दिमाग मत लगावा, हमके पता बा हमके का करे के बा। ठीक बा, अब ज्यादा सोचे की जरूरत नहीं के, चल के आराम कर। हाँ चल। दीदी उठो। अरे छोटी तू कहाँ भाई? धीरे बोल वरना मैया जी। चल चल हमारे साथ जा। चल छोटी कहा? नीलम आप बैठा ना, हम जाना तनी, हम चाहे तारा से भले कितना भी दूर रहे लेकिन हमार जान तहरे में बसेला, और हम तहरा बारे में दिन रात सोचे नहीं। लेकिन तू चिंता मत करा, हम जे दिन डॉक्टर बन जाए और अपना पैर पे खड़ा हो जाए
और तब अपना बहन के वो सब हक दिलाएं जेकर वो हकदार भैया और फिर तरह के हम अपना साथे रखब। पगली तोहर प्यार और साथ के सामने ना ई दुख दर्द इत्तू से बा इत्तू, तोहर प्यार और तोहर दुलार में ना हम सब कुछ हंस के सह ले। हम बहुत खुश नसीब बनी कि तारा जैसन बहन हमरा के मिलल। अच्छा एक मिनट, हम तारा खातिर कुछ लेके आयल बनी। हमरा खातिर? हाँ ई देखा, बहुत कुछ लियल बनी तारा खातिर। हाईला हम जाना तनी, हमार मम्मी तारा के मिठाई ना दिले हुई, यही से हम तारा खाती अलग से मिठाई लेके आयल बनी। अरे लना ई तो हमरा के बहुत पसंद है। तू खा बाकी बाद में खाई। हम तरह खाती और कुछ लेके अलविन दिखाई। हाँ माई देखी तो गुस्सा करी, ये हम ना ले। अरे लेकिन लेकिन छोड़ा, हम बोल दे हमारा पुरान कपड़ा। ठीक बा, ई तो साचो में पुरान बा, ई तो फाटल बा, हमने पहना भी सब। अरे पागल, ई फटा ना, फैशन ना, फैशन। फैशन? हाँ। ई कैसन फैशन बा? ई पहन के अगर गांव में घूमब ना तो कुत्ता लोग पागल समझ के हमरा के काट लेही। ई सब हम ना पहना बाबा। अरे भाई पहनबो तो बहुत खूबसूरत लगबो। अब ठीक बा, ई सब रखा, अब हम सोते जाते। अच्छा सुना, तू अपना बहन के अकेले छोड़ के चल जेबू, आवा हमने के साथे सुतल ले। ना नीलम, तू सुत ना, हम वहां जाके सूत जाए। आज तारा के हमरा साथे सुतेगे बा। अब माई ऊ तू माई के चिंता छोड़ा, हम बानी नो, हम मम्मी के मना ले। लेकिन नीलम आवा। अब अरे यहाँ ना माई, सुबह हमरा के जल्दी उठा। हाँ। दिया। अरे हमरा के पकड़ के सूता। अच्छा ये बतावा, शहर में काका होला? बहुत कुछ होला, जब तू हमारे साथे चलबू बहुत मजा आई। ई बेड में ना हमरा के नींद नहीं खियावत, चटाई में मस्त नींद आवेला। अरे पागल, तो के हमारे साथे नींद नहीं खियावत? एक काम करा, अब सूत जा, सुबह बहुत काम है। चलो गुंजा, ए गुंजा, गुंजा, अरे गुंजा, पता ना कहाँ चल गई। ए गुंजा, तोर इतना हिम्मत कि तू हमर बेटी के संगे ओकर बिस्तर पर सुतल बड़ी? आ गुंजा दीदी के हम बोले लनिया, काहे से कि हमरा कपार में बहुत तेज दर्द होत रहल सा। ई त जाते रहलिया, लेकिन हम इंगरा के रोक लेनिया। पूछा काहे? काहे? काहे से कि फिर हमरा कपार में दर्द हुई, फिर इंगरा के ब्लॉक पड़ी, ऐसे। एकदम ठीक कइले बड़ू, जब ले बाड़ू ना कुल काम ऐसे करबे। हां मम्मी उहे त। तू करे खड़ा खड़ा का देखत है? जा जल्दी नहा दो और गैया के दूध दो और बढ़िया से गरम करके हमरे बेटी के पिलाओ। चल जो। ए बिटिया, जब ले तू बाड़ू ना अपना कपड़ा लत्ता झाड़ू बिस्तर कुल ही लेकी से कराओ, है ना? राती के बुला के कुल अपन दे आराम से मिसवैया। और ध्यान रहे, एको मिनट आराम ना मिले ओकरा के, है ना? हाँ मम्मी, अब तू देखा हम ही गुंजा से कितना काम कराओ तनी। हाँ। और अपन देह भी मिसवाएं, ठीक बनू? अरे वाह, एकदम हमरा पे गई बाड़ू। अब हमरा के समझ आ गई कि तोर शहर के पढ़ाई एकदम चक्का चक चल रहल बा। ए बेटा, मिठाई के डिब्बा तो तू हमरा के देले रहलू, फिर है कहा? मम्मी आओ, दूगो मिठाई लिए ले रही। एगो अपना मम्मी खाती, एगो अपना पापा खाती। मम्मी के मिठाई मम्मी के दे देनी, पापा के मिठाई बाचल तो रात के हमरा भूख लागल तो में से निकाल के खैनी। ठीक कहिलु, ठीक कहिलु, बहुत बढ़िया, अपने पास ही रखा, जब मन करे जितना मन करे खूब खात रहा। बाकी हाँ, गुंजुआ के इतनी चुकी भी टुकड़ा ना मिले के चाहिए, है ना? अरे मम्मी हमरा सब तब ना गुंजा के दे। वाह ये ना, अब एगो काम करे, जल्दी से जाके नहा धोला, काहे कि बहुत भूख लागल बा। ठीक बा मम्मी, चला तू। हाँ, हम आवत बा। ठीक बहिन। हाँ? हम दूध लेके आ गेल बानी। बहुत नीमन काम कइला, एक तू ही त हमार भैया बाड़ा। ना बहिन, तू त ई घर के मालिक बाड़ू
और कहाँ हम नौकर। बबलू भैया, केहू मालिक और केहू नौकर ना होला, ई सप्ताह औहदा होला, यही के ता किस्मत कहल जाला। हाँ सही है कहा पाड़ू बहन, ई सब किस्मत के खेल हो। हाँ अब बात बहुत हो गई, एक काम कर जल्दी से दूध ले ला, छोटी के नाश्ता के टाइम हो गए। हाँ। जल्दी चला। बहुत बढ़िया वाह नीलम, इला नाश्ता करा। माई ना, और दूध कहाँ बा? इका बा। हाँ डालो। इला गरम गरम दूध पिया। हाँ। ए ते ऐसा नंबर बेटी के का घूरे तड़े रे, नजर लगा दे बेका। चाहिए हेले जाके तेल मसाला कुल लेके आओ, सामान ना रहेला कोनो चीज के ध्यान तो रहेला ना। मम्मी ठीक बा माई। हां मऊ जाए बाजार। हां बिटिया जा ना। चुप कर बा। ए बेटा तू ई गुंजा के संगे घूमे ना जीबू। ए बबलू आ। हां मालकिन। जो दू चक्का लेके जो, बिटिया के पूरा गांव घुमा के ले आओ। ठीक बा ठीक बा, बबलू तू ही जा घुमाओ ले आवा। ठीक बा मालिक ठीक बा। जा तनी जा बिटिया जा। आज तो दूध पी के मजा आ गई। आ गई लो। फिर छोट छोट कपड़ा पहन ले लू। अरे आज ही देखी हमरा के वो फिदा हो जाई। कुछ भी तू जा। एमा बेटा आ। बबलू भैया लेला 100 रुपया और गांव के चौराहे पे जाके ना लस्सी पिया, तब तक हमनी के गांव घूमम जा। और हाँ हीरे ये साथे चलल जी ताकि मम्मी के ना पता चले। और तू ये साइकिल लेके जा, आज हम अपना बहन के स्कूटी पे बैठाएं और हम चलाएं और साथे गांव घूमम जा। ठीक बा जा। ठीक बा। बैठा। हाँ आराम से हम गिर जाए। यही जाना हमने सबके बहुत सारा खेत बा। अच्छा और जाना तारू हम यहाँ रोज आवे ली। ओ रीना का हाल बा? अरे काकी राम राम। बढ़िया बा बिटिया। हाँ हाँ हाँ। अरे काका जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओई जा चला ओई जा, हम तोरा के ना पका पका आम खिलाए। रुक रुक रुक, का हाल बा रतनपुर वाली चाची, सब ठीक बा ना? सब बढ़िया बा बिटिया। काका प्रणाम प्रणाम। हाँ। और सब बढ़िया? प्रणाम काकी। जियत रहा बिटिया, बहुत बढ़िया से रहा, खुश रहा। अरे अरे आराम से रह। अरे जल्दी आवा पढ़ाई नीचे कर। पता है यहाँ आगे चल कर बहुत बड़ा नदी बा, हम तोरा के ऊपर दिखाई। यहाँ चल आगे आगे साइड साइड साइड। जाना थोड़ा महाराज, आज हमार छोटकी मालकिन 100 रुपया देली ना, आज जा के दबा के 2 गिलास लस्सी पियली और साथ में बन मक्खन। अरे समझ ला खूब मौज कैली है। नीलम के हर बा मालिक देरा मत, हम जाना तने दोनों बहन संगे गेल बाड़ी। और देखा ये बात हम केहू से कहब ना और तुहू केहू से मत कहिया। ठीक बा? ठीक बा मालिक, समझ गेला ना? हम केहू से ना कह। चलो तने चाय पीली, जल्दी पहुंचा के बा। अच्छा अच्छा ठीक बा। ए महाराज तनी एक कप और चाय पियावा और नमकीन वाला बिस्किट वो दे दिया। ई दुकान पे? हाँ हाँ ए जा। हाँ 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 हाँ। अच्छा करो 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 करो। बस बस तू ये जरूर का हम आवा थे। छोटू इला सारा सामान फटाफट निकाल दा, शहर से हमार छोटी आयल भी आ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहल भी आ। हाँ फटाफट निकाल दे हम आके ले। हाँ ठीक बा चला 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 छोटी चला चला चला। ये सब ना हमने के आम के बगीचा है, ओ जाना। अच्छा। बहुत पका पका आम बा, हम तोरा के खिलाई। हाँ रुक 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 ए जा रुका, चला ओजा से आम तोड़ल जाए। ए जा रुका, हम तोरा के फटाफट आम खिलावत है। हाँ हम तोड़ा। शेर अगर आराम करे लगी तो ही मतलब ना कि जंगल में गिदड़ राज करे।
आज के बाद अगर नजर आईल सन तो बहुत मार मारे। चल भाग। भैया इके है हो मुंबई से आयल बड़े की कोलकाता से? भैया ये तो रामपुर वाला कपिल जी के बेटी ही है। मजा आई लनाज। हमारा दिल के पहली बार कोई लड़की पसंद आयल भैया। हे भाई पता करो कहाँ रहेली, हमारा इनकरा से दोस्ती करे के बा। ये रामपुर के कपिल देव के लड़की ही है, शहर में मेडिकल के पढ़ाई कर दिया। भैया जी चाय लाएं कि दूध लाएं या लाएं क्यों ना ठंडा? भैया जी पूरी लाएं कि कचौड़ी कि ताजा ताजा मुरब्बा? भैया जी आज का हो गई, कुछ बोलत नहीं खी, काहे अपन मुंह खोलत नहीं खी? का बात बा, हमरा भाई के केहू कुछ बोलले बा का? हाँ अरे अभय अभय, अरे कौन बात की चिंता में पड़ा बड़ा हो? भैया जी कुछ बोली ना। ए अभय, ए बेटा केहू से कुछ कहा सुनी भैया का? देख पंडित जी तोरा खातिर एक से एक सुंदर सुंदर लड़की के ना रिश्ता लेके आए बड़े, देखना हम सब आदमी तैयार बानी, बस तू एमे से एक वो लड़की के पसंद कर ला। देख अब एके का हो गई? ए शीला, ए बेटा देखो माजरा का हो। बाबूजी माजरा वाजरा कुछ नहीं खे, बाहर गैल रहल कौनों से झक झक करके आयल होखी, देख क्या बता नहीं। हाँ देख मजा आवत होई हो कन बलिए के।
सपना दिल के बनबू तू ही रानी ए गोरी तोहरा नाम कैनिया बन जिंदगानी ए गोरी हम बानी दीवाना ले चलिए के भाग जागत होई हो कन बलिए के मजा आवत होई हो कन बलिए के भैया जी ए भैया जी उठी ना सबेर हो गईल अरे ऐसे ना जगी हन हमके पता बत कैसे जागेलन कैसे पकड़ा हाँ हमरा बुझाता भैया जी सोवल नहीं थे हो केहू के याद में खोवल बाड़े हो इनकर चेहरा के मुस्कान बतावत रात भर जागल बाड़े हो सुबह सुबह का राग आप लोग ले बड़ो अरे भैया तो ऐसे ना जागेला ना ते ऐसे गाना गा के जगावत रहली हां हे सुबेरे सुबेरे हमरे भाई के सिर पे का कर कर ले बाला लोग हां अरे दीदी हमने का तो बस चाय देवे आई रहे हां अच्छा त दे दा और जाके जल्दी से बाबूजी की चाय दे आवा ठीक बा दीदी और काले से जेकरा याद में खोल बड़ा ना हम ओकर पता लगा ले बानी अरे दीदी का कह रहा हूँ बड़ू सुना तोहार बड़ बहिन है और ये बचपने से तोरा के जाना तानी हमरा काले मालूम हो गए रहे कि हमरा भाई के केहू से प्यार हो गए बाटे प्यार तो हो गए बा दीदी लेकिन कभी कभी आग के देखल सपना सच ना होला तेरा याद बना कि हम तो मिलके जीजा जी के पसंद कर लेनी सन और बाबूजी नाराज रहले बाद में मल लेन का भइल तर के छोड़ के घर पर बिठा देलस अरे भाई हमार बात छोड़ दा तू आपन बात करा देख बाबू उ लड़की के बारे में हम सब पता लगा ले पानी ओकर नाम ओकर गांव अरे उ रामपुर के कपिल देव की लड़की हिया शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करेली हम बाबूजी से ना आजे तोहार ब्याह के बारे में बात कर लेता नी ठीक ना हमरा ब्याह में तू अगवा रह लेना लेकिन तोहरा ब्याह में हम अगवा रहा ठीक बा चला हम ज्यादा नहीं बाबूजी से बात करें है ना देश में का चल रहा बा उहे पढ़ता नहीं पापा भाई के ना रामपुर वाला कपिल देव जौन बानी उनका लड़की पसंद आ गई भैया देखो शीला लड़की के है कौन एक खानदान से है कुछ पता बा अरे पापा लड़की पढ़ल लिखल संस्कारी बिया और ये भगवान के दिहल तो हमनी के लगे सब बटे भाई की लड़की पसंद आ गई बिया वो है हमनी के सब बा ना शीला एक बार तोहरे कहले से तोहार बिया कैले रहनी और आज तक पछता रहल बानी ना अब कौनो रिश्ता नाता होखी ना तो बहुते सोच समझ के होखी लेकिन पापा वो लड़की डॉक्टरी पढ़तिया एक बार देख लेला में का बुराई बाटे अबे अरे बेटा यहाँ आवा आ गए ले बेटा आवा बैठा तो बेटा अबे ये जोन बात हम सुन रहल बानी का ये सच है जी पापा वाह भाई तब तो आजे पंडित जी से बात करे के पड़ी हाँ पंडित जी प्रणाम 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 अरे वो रामपुर के कपिल देव जी के जानत बानी ना अच्छा वो रामपुर वाले हाँ हाँ वो है अरे भाई उनकर लड़की हमार बिटवा अभय के पसंद आ गई भी अरे वाह हाँ तो जाई और रुआ जाके शादी भी आप पक्का करी ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक बा प्रणाम 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 लो भाई हो गई प्रणाम गोड़ लगता नहीं पंडित खूब खुश रही हम प्यारेपुर के चौधरी के घर से रिश्ता लेके आल बानी चौधरी कौन चौधरी लखपति चौधरी लखपति चौधरी वो लखपति चौधरी के घर से रिश्ता आल बा जी हमार बेटी खातिर जी अरे वाह हमार बेटी के तो भागे खुल गई ए नीलम बेटा हाँ मम्मी अरे सुना 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 अरे तू तो कितना भाग्य वाली बनू इतना बड़ा खानदान से घर चल के रिश्ता आइल बा बाप रे बाप
मम्मी हमके भी डॉक्टरी की तैयारी करे के बा और ये सब काम हमके भी ब्याह निके करे के। अरे बिटिया इतना बड़ा घर से रिश्ता आई बा डीएम एसडीएम उनकरो घरे ना आवेला और तू कहा तरू के ब्याह ना करबू। छोटी माई एकदम सही कह रहल बाड़ी पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकेला ना। माई आप छोटी के लिए दुल्हा हम ही पसंद करब। मारा भी थप्पड़ ना अब ही थोड़ा अच्छा बोली फिर टट्टर करे लगी। पंडित जी हम का कहें रवा जो उचित समझी तन करे। नाना पंडित जी एकदम तैयार बनी रवा जाई और रिश्ता के बाद तय करी हम तैयार बनी। चाय पी बिस्किट खाई मुंह मीठा करी। जी ठीक बा तो हम रिश्ता पक्का समझी। जी। अरे एकदम पक्का जा के रहुआ खाली बतिया ली लखपति जी के बतावे के ना पड़ी रहुआ के तो जाई जाके बताई। जी ठीक बा फिर हम चला जाएंगे। धन्यवाद जी धन्यवाद प्रणाम। बाप रे बाप का भाग का हमार बेटी के देखा हमार बहन कितना सुंदर लाग रहल बिया कितना बढ़िया तैयार के लेवानी। अब होके वाला जीजा जी देखिए तो तोरे बिना रहना पई। हाँ तारो जब ब्याह हुई ना हम तरह का इसे ही रेडी करब। हम ब्याह ना करब काहे काहे कि हम यहाँ रह के अपन माई बाबू के सेवा करब। का जी अबले ना इलन लोग। हाँ कहले तरह उनकी आ जाई इतना बड़ा लोग पड़न फोन कर पता ना का कही। ए आ गई ले अरे क्या ना अरे कपिल जी जी बिटिया के बुलाई। जी जी बिटिया के बुलाओ। और का हाल चाल बा। बढ़िया बा रास्ते में कोनो दिक्कत तो ना फैलावे में तकलीफ ना भाई राउर के नाम पूछ के यहाँ घरे आ गई नी बेटा। अरे बाप रे बाप कितना सुंदर लागत है। चल चल वो लोग आ गए बाड़े। जीजा जी आ गए नी हम देख के आवत है। चल उधर एकदम बाहर मत आइए ना ओकरा लोग के कोनो के देखिए तोर साया भी ना पड़े के चाहिए। चल बेटा मम्मी लेकिन नौकरानी ही है वो बड़का लोग में जाके का करी रे। चल तू चल। रुक रुक पल्लू पल्लू हमर बहन के देखे वाले आयल बड़े और हम ना देखब। हम देखब कैसे देखी। और कहीं बहुत बढ़िया बा सब कुशल मंगल बा। हाँ नमस्ते। खुश रहा। नमस्ते नमस्ते। चौधरी साहब कुछ पूछे के बाद आप पूछ ली। अरे मैं पूछताछ का करे के बा। देखी कपिल जी जी राउर लेकी हमार बेटवा अभय के पहले से ही पसंद दिया। और लेकी हमरा के भी पसंद दिया जी। पंडित जी तनी बिया के मुहूर्त निकाली। चौधरी साहब जी इस महीना के 8 तारीख दिन मंगलवार के बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त बा। आहा भाई का बात बा। भाई हम तो तैयार बानी
बाकी अब कपिल बाबू जे आप उचित समझी। क्या बोला चौधरी साहब? ब्याह के बाद तो ठीक बा, बाकी दान दहेज के बारे में। देखी कपिल बाबू, हमार पूरा खानदान दान दहेज के बहुत सख्त खिलाफ बा। और फिर रउआ, हमरा लक्ष्मी नियन बहु देत बानी, तो इसे बड़ दान दहेज का होई? और एक बात जाना तनी कपिल बाबू, लक्ष्मी दान इस संसार के बहुत बड़ा दान होखेला। वाह, सुना, दरवाजा खोला। बस बियाह के इंतजाम एकदम चौचक करिया जा, और हमरे बरतियन के एकदम भरपूर खाना खिलाइया, शादी धूमधाम से हो जाए, तो ऐसे बड़ और का चाहिए हाँ? और आज से रउआ हमार समधी हो गई बानी, ताई गला मिलल जाए। दीदी वो बड़ा अमीर लोग बटे, और हम तेरा जीजे जी से मिलके आ रहल बानी। 8 तारीख के ब्याह भी बा, और वो एक बड़ा स्मार्ट और हैंडसम बड़ा हीरो जैसन। वो कोनो हीरो रो ना, बहुत बड़ा वाला गुंडा है, मवाली है, हर दिन सड़क पे लफंगई करेला, गुंडागर्दी करेला। तू ओकरा से शादी मत करिया, मना कर दिया शादी का। हम जाना तनी तू काहे दुखी हो रहल बड़ू, लेकिन अब सब ठीक हो जाये। पूछे काहे से कि हमरे बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी मिल रहल बा। तू अभी समझत नहीं खू, हमरा पे यकीन नहीं खे, तब बबलू भैया से पूछा। हर दिन गरीब लोगन के मारे ला सतावे ला, वो बहुत बड़ा गुंडा बा। तू ओकरे के ना शादी के लिए मना कर दा, माई से हम बात कर ले। देखा तोके मम्मी वो जो नावे दिली है, तू यही से नाराज बढ़ू ना, चल हमरा के माफ कर दा। छोटी तोरा के पता नहीं माई के का, वो तो हर दिन हमरा के डांटे ली, हमरा के उनकरा के बात के एक को बुरा ना लागेला। लेकिन उना वो सही आदमी नहीं के, तोरा के नहीं के पता, वो बहुत बड़ा वाला गुंडा बा। अरे तू का बकवास कर रहा बड़ू, अभी इतना नेक इंसान बड़न, चौधरी खानदान इतना नेक परिवार, और अभी हमरा के देख के पहली बार में ही पसंद कर लेला, और इतना बड़ घर से रिश्ता हमरा खाती आई बा। देखा तू भी छोट बाड़ू, शहर में पढ़ा ताड़ू, हाँ हाँ, तू इतना पढ़ा लिखल बाड़ू, इतना सुंदर बाड़ू, तोरा के तक केहू भी मिल जाए, वो लफंगा के ओकरा के केहू ना मिली। छोटी मम्मी, नीलम नीलम, मम्मी देखा ना गुंजा दीदी का कह रहल बाड़ी। का भाई बा, रहुआ लोग से एगो बात करेगा। अरे आज तू जोन बोल भी हम सुनब, जोन मंग भी वो देव, काहे की आज तो हम बहुत खुश बानी। और एक बार नीलम के शादी के बाद ओकर कुल कपड़ा भी तोड़ बोल। वो का है ना जिकरा से नीलम के शादी तह, वो अच्छा लड़का नहीं के, गुंडा है गुंडा। अरे अपशुगनी, पहले तो अपन माय बाप के खा गेली, अब हमार बेटी के कोनो अच्छा घर में शादी हो रहल बा, वो तोरा से बर्दाश्त नहीं के होत है? काली बिल्ली नहीं रास्ता काट रहल बाड़ू, सच बोल न तो हम तोर चमड़ी उधेड़ देब। माई अगर हमरे बात पे यकीन नहीं की होत ना, तो आटा चक्की वाले रंजीत भैया से, वो दुकान वाले मौर्या भैया से, बबलू भैया से पूछनी, हम देखनी है। अरे इतना बड़ा खानदान के लोग के हम उस सड़क छाप वाला से जाके पूछा? आज ना आज तोर मौत लिखल बा हमरे हाथ में, चल जो। अरे बिटिया तोरा कोनो गलत फहमी भइल बा, ऐसे कोनो बात नहीं के। ना बाबूजी हम सच कह दानी। अरे देख लेनी ना अपन लाडली भतीजी के, हमार बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं के भाई, सांप बन के बैठल बिया, तोर तो हम वो हॉल करब ना माई। सत्यानासी नीलम, नीलम बाबूजी, बाबूजी हम सच कहता नहीं बाबूजी, अब हम क्या करें? नीलम, नीलम अब का भाई? अब तू हमार छोट बहनी हो, अब तू ना अभी नादान हो, तोरा के ना दुनियादारी के समझ नहीं खे, आप हम हमार बात माना ना, वो लड़का अमीर जरूर हा, लेकिन वो गुंडा है, तोरे लिए सही नहीं खे। अरे दीदी तोके नहीं खे मालूम, वो बड़ लोगन में बिजनेस खातिर कहीं अनबन हो जाला, एकरा मतलब ई ना कि वो गुंडा और मवाली है। खैर छोड़ा, चला अब तू जा, हमरा बहुत तेज नींद आवता। अब हिम्मत रानी, अब तू ही कुछ करा, ई तो समझे कि कोशिश नहीं की कर।
खबूता अन्हार हो जाई, मुर सुना सुना हो संसार हो जाई। हो तू दूर जने जई हा ना जई हा जने जई हा जाने जाना। सास जवन चलता तोहरे करनवा, हर घड़ी तोहरे के खोजे नयनवा। सास जवन चलता तोहरे करनवा, हर घड़ी तोहरे के खोजे। हम भैनी परवाना तो दूर जने जई हा ना जई हा जने जई हा जाने जाना। तो दूर जने जई हा ना जई हा जने जई हा जाने जाना। कैले बानी जिनेगे तोहरे ही नाम हो, तोहरे से सुबह होला तोहरे से शाम हो। ऐसा ना हो सकेला, फालतू के सोचते नहीं। अरे वाह नीलम, आज तो तू चांद नियर खूबसूरत लगा तारू हो। ई चांद की गुड़िया बंगला के महारानी बने जाता रही, बड़ा तकदीर वाला बड़ू जे इतना बड़ा खानदान के महारानी बने जाता रू। गुंजा, आज तो बड़ा खुशी के दिन है, नाचा गावा। हमरे लिए खुशी के दिन ना मरण के दिन है, मरण के। ओहो गुंजा, ये सब तू का कह रहल बड़ू। ठीक कहा तानी, हमार बहन की शादी उ खानदान में हो, ऐसे अच्छा कुवारी रह जाए। हम अपने बहन की शादी उ खानदान में हो नहीं के देख सके, उससे पहले हम जहर खा के मर जाए। गुंजा, हाँ
के यकीन नहीं के होता, चंदा और रीता से पूछ ला। हाँ नीलम, सुनले तो हमऊ बानी। हमऊ सुनले बानी, वैसे भी बड़ा लोगन के का भरोसा बा। हाँ नीलम, ओ घरे में ना तोरा के दौलत शोहरत सब मिली, लेकिन प्यार ओ कबो ना मिली। ओ घर ना एक जेल है, जेल। लेकिन अब हम का करें, द्वार पे तो बरात आ गई बा। तू एक काम करा, तू ना शहर भाग जा और अपन डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करा। हाँ हाँ, हम यहाँ संभाल ले। पक्का वादा ना? पक्का 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 पक्का। अब दुल्हन के बुलावल जाओ। जी। गुंजा, ए गुंजा। नीलम भाग गई ली। का? का? हाँ? का? अरे आप चिट्ठी देके गई भैया। चिट्ठी? चिट्ठी? मम्मी पापा, हमी बिया से खुश नहीं थी। आनंद फानन में तू लोग बिना हमार मर्जी के जाने बियाह तय कई देहला। हमरा के डॉक्टरी के तैयारी करे के बाद शादी बियाह के बारे में अबहिन हम ना सोचले हैं। यही से हम घर छोड़ के शहर जा रहल बानी, और जब डॉक्टर बन जाए तब तू लोगन के अपन मुंह दिखाई। अरे कपिल देव, ये तोहार शहर में पढ़े वाली लड़की ना, तोहार ना बल्कि हमार मान सम्मान और इज्जत पूरा मिट्टी में मिला देलस। समधी जी, हमरा के नहीं खे मालूम कुछ। समधी जी? अरे काहे के समधी जी? अरे हम तो अपन बेटवा के पसंद के खातिर तोहरे जैसन 2% गरीब घर के लोगन के साथे अपन लड़का के बियाह करे जात रहे। लेकिन तोहर शहर में पढ़े वाली बिटिया अपन औकात दिखा देलस। समधी जी, हम समझाएब अपन बेटी के। रहो थोड़ा टाइम दी। वाह, अब वो बच्चलन हमरे घर के बहू बनी है। अरे तोहनी लोग के औकात हमरे घरे के नौकर बने के नहीं खे। का हो? देख लेला ना अपन पसंद के नतीजा है। अरे उस शहर में के उसे फसल रहा होई, एक खतर भाग गई। और अच्छा भाई जो ईजा से भागा, अगर वो हमार बंगला से भागत ना तो हम समाज में केहू के मुंह दिखावे लायक ना रह जाती। चलो बाराती लोग। अभी गरीब के घरे के लगे हमनी के एक पल भी ठहरल मुश्किल बा। हाँ हाँ हाँ, निकला भी यहाँ से अपन मंडली लेके। और जो भिखारी के करा बोल रहा है, हमार माई बाबू ना इस समाज के सबसे इज्जतदार इंसान हुए, और जो कुछ भी बाना ई घर ई गाड़ी और ई 4 भैंस गाय वो सब मेहनत के। हाँ मेहनत के। तू लोगन जैसे गुंडागर्दी के नहीं खे, और सबसे बड़ा गुंडा तुहार ई लड़का है। एकरा के हम कई बार देख रहे हैं गुंडा गर्दी चोरी चपाटी क्या का करेला। एही से हमार बहनी शादी छोड़ के भाग गई। हमार बहनी ना भागित, हम ओकरा के भगैनी है। हम देखा भाई, अगर ये बारात बिना दुल्हन के अपने गांव में ले गई नहीं ना तो हमनी के गांव में बहुत बदनामी होगी। अरे हमनी के कहीं मुंह दिखावे के काबिल ना रह जाए। ये लड़की बड़ा पटर पटर करतिया, अब तो यही लड़की हमरे बेटा अभय के दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन।
भी लखपति चौधरी के फैसला हो, फैसला हो, फैसला हो, फैसला हो। शून्य एक सात शून्य एक पर। खुशी मनावे के कोनो जरूरत नहीं खे। हम बहु ना नौकरानी ले आयल बानी। नौकरानी सूरज ए चंदा आज से इतु दोनों के साथ रही आई तू दोनों के ना काम में हाथ बटाई और एकरा के अच्छा से सिखा दिया सन कि एगो अमीर घर में कैसे नौकरानी बने के सहूर सिखल जाला और सुन तोर ये जगह बा ठीक बा एजा हमरे साथ काका हुई ये बात के फिकर नहीं के खुशी ये बात की है कि हमार छोट बहन नीलम की जिंदगी बच गई बाकी हमार का यार हमार पसंद तो नीलम रहे लेकिन आज ले वजह पता ना चलल क्यों काहे भाग गए का दिक्कत भइल ओकरा यार ए छोड़ ना मरते का परेशान होत रह हट मरदे अरे अभय बाबू का हाल चाल बा वकील साहब प्रणाम 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 वकील साहब हमारो ईंट भट्टा वाला केस से कुछ पता चलल अरे बरसों से तुहार जोन ईंट भट्टा के केस चल रहा बा ना ओ तू जीत गई बा का बात करते नहीं और का कीला पकड़ा अपन कागज ला देख ना मुन्ना हमने केस जीत गए नहीं सर चला अब तू मिठाई खाए के तैयारी करा बिल्कुल पार्टी मनावा ठीक है वकील साहब चला चला थई नमस्ते नमस्ते भौजी के चरण शुभ हो गए रे ते सुधरबे ना धत मर दे चला पार्टी कर जाओ चल चला चला अरे पापा आज बहुत बड़ा खुशखबरी बा का हो गेल बेटा बरसों से चलत रहला ईट बटाई केस आज हमनी के जीत गनी सर आखिर सच्चाई के जीत होइए गेल बेटा जी हे बेटा जी पापा आज बड़ा खुशखबरी के दिन है हे बेटा तू पूरे गांव जवार में जाके ना मिठाई बांट दा ठीक बा पापा और मजदूरन के खुशखबरी दे दा अभय बाबू उ का है ना मंगरुआ हमसे 50,000 रुपया पिछले साल अपने बहन के शादी में ले ले रहे और अब हमरे घरे शादी पड़ल बा मांगत है तो देते नहीं खे ऊपर से कहता कि मरबो करब अच्छा बुधन का बैठी ना बैठा बैठी देखी रे और बेटी हमर बहन जैसन भी शादी बहुत धूमधाम से कइल जाए रुवा टेंशन ना ली जरा मंगरुआ का फोन लगाई हाँ लग गई हाँ स्पीकर पे करी हाँ। करे बुधन तोर 50,000 भूल जाओ दोबारा फोन कर पता इतना मारब कि गोरा टूट जाए फिर लगभग भीख मांगे वाला गाना गावे बुझा गेल ना अरे वाह वाह अरे मंगरू गाना तो बड़ा अच्छा गावत इस भीख मांगे वाला एक काम कर काल से वो चौराहा खोज ले काहे कि तोरा भीखे मांगे के पड़ी के बोला था रे अभय प्रताप चौधरी भैया करे मंगरू
पैसा लेत समय लाला लाला और देत समय मुंह काला और बुधन गाय का कहतर लिस कि हाथ पैर तोड़ के चौराहा पर बैठा दे और गाना कौन गावत लिस सुना माफ कर दो भैया हमसे गलती हो गई भैया हम लेल बानी पैसा हम पैसा लेल बानी भैया हम देता नहीं पैसा आइला चल भाग बुधन का रुआ जाई जाके शादी की तैयारी करे अगर और पैसा रुपए की जरूरत पड़े ना तो रुआ बताएं हमरा के आप खूब खुश रही भगवान आपके बहुत खुश रखे बाबू अब तो हम गरीबन के भगवान बनी अरे नाना बुधन का रुआ लोग के आशीर्वाद प्यार बा बस ऐसे ही बनी ले रही हे भगवान ये हम का देख रहे बनी जा अरे बुधन का ई फोन फोन रहो नमस्ते जी प्रणाम अरे गुड़ी कहा भैया दिखाई नहीं दे उनकर काल एग्जाम बा ना वो अपन कमरा में पढ़ाई कर रहल बानी अच्छा अरे दीदी खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बा सूरज के बनी ले बा ई खाना नहीं की मालकिन बनी ले बाड़ी बहुत बढ़िया खाना बाटे पापा हम ही कहत रहनी हां कि काहे ने नौकरानी इनकरे के रख लेल जाए वैसे भी अपन माई के यहां तक काम यह करत रहली हां ए अबे पापा ए बेटा गांव के सब मजदूरन के ना काल से भट्टा पे लगावा अरे हमनी के सारे कितना दिन से उ सब बेरोजगार बैठल बाड़े पापा राजू और मुन्ना काम पे लगा देल बनी उ बहुत खुश बाड़ा सन वाह काल से सब काम चालू हो जाई वाह देख रहल बाड़ू ममता काश तू बोल पैतू ना तो कितना अच्छा रहत काश भगवान तुम्हारा आवाज वापस ला देते तो हम सब धनी हो जाती ए सुने ना है नहीं आवा हाँ अरे तू लोग ऐजा बैठल बाड़ा हाँ वो बर्तन धो दिलू ना हाँ सब धुल गेल ठीक बा अच्छा ये बतावा तू लोग ऐजा कब से काम कर रहल बाड़ा बस इतना जान ला जब से होश संभलने बानी तब से यही लोग के सेवा करत आ रहल बानी और एहिजा के अगर हमार और इनकर प्यार हो जाई तो पति पत्नी बन के ये लोग के खूब सेवा कर जाई मतलब तू लोगन एक दूसरे से प्यार करेला हम तो बहुत करेला बाकी इनकर पता ना अरे हम ना करेला ऐसे प्यार अरे तो कल ना हम के नहीं करे के तोरा से प्यार तो कल बड़ा मजा आई चल हट देखिया एक ना एक दिन तू दोनों में प्यार हो ही जाए तू तो एकदम हमरे मन का बात कह देलू देखो आपन मालिक के इज्जत बचावे खातिर तोहरा के ले आई ले लेकिन तू चिंता मत कर थोड़े दिन में सब ठीक हो जाए अगर वो तोहार बहिन ना भागल होत ना तो ई सब ऐसा कुछ ना होत और हाँ ई घर में सब बड़ा सज्जन बाड़े अच्छा अब सबके बारे में हमरा के बतावा कि कैसन हा और कौन कौन हा देखा अभय भैया के तो तू तो जनते बाड़ू बाकी वो जे बोल नहीं खे पावत ना वो उनकर माई है अच्छा और वो जे बड़की बहन बाड़ी ना शीला उनकर अपना पति से प्रेम विवाह भेल रहे लेकिन उनकर आपस में झगड़ा हो गई तब से अपन ससुराल छोड़ के एहिजे रह ली और बाकी जो उनकी छोटकी बहन गुड्डी बाड़ी ना उनकर पढ़ाई चला था और अभय भैया तो एकदम देवता बाड़े आपन सगरो पढ़ाई पूरा करके एहिजा के खेती बाड़ी और बिजनेस संभालत आ रहे और सगरो समाज के खातिर बड़ा निमन काम करत आ रहे तोहार बहिन ना बड़ी बदनसीब बिया जो बाबू साहेब देवता जैसन के छोड़ के भाग गई बस अरे सूरज ए सूरज अरे शर्ट कहाँ रखा है रे प्रेस करत रहनी चंदा मेरी बुक नहीं मिल रही है ए चंदा चंदा अरे जल्दी हमार चाय लेके आवा दीदी इली आपके चाय
आपकी दवाई। अखबार कहाँ गई? अरे सूरज, अरे बेटा चाय दे देला, अखबार के दे। डॉक्टर साहब, हम अभय प्रताप चौधरी बोल रहे बने और वो मरीज के हम भेजले बने। रुआ निश्चिंत होकर ओकर ऑपरेशन करी, जितना भी पैसा रुपया लागी सब हम देव। जी थैंक यू। नाम गुंजा है ना, परे बारे में सब कुछ जाने लिया। तू रामपुर वाले कपिल देव जी के भतीजी बाड़ू ना, सुन ले तुहरा बारे में बहुत दुख भइल। का किस्मत पहले बढ़ो तो नैहर में रहलू तो काका काकी के साथ नौकरानी बन के रहलू, और ससुराल में अलू तो वह नौकरानी बन के ही रहता रहो। रउआ के परिचय? हमार नाम विनोद है, हम शीला के पति हैं और शीला के बिया हमारे से भइल बा, वो प्रेम विवाह। और शीला अपना अमेरिके बखान बता बता के वो हमार रोज हैसियत के मजाक उड़ावस, वो प्यार वार कुछ ना करेली हमसे। एक दिन हमू अजीज होके उनकर बखान सुन सुन के छोड़ दाने। विनोद जी, जहाँ तक हम जानी ले, शीला दीदी रउआ से बहुत प्यार करेली। अरे सुन गुंजा, वो प्यार वार कुछ ना करेली, वो प्यार करेली सिर्फ दौलत से। और तू सोचत हो कबू के वो रोएली? अरे रोएली वोएली कुछ नहीं, वो सोचा तारी के कब मरे के राख हो जा तारी। हमरा के पता है, काहे कि हम शीला दीदी के देखेनी हर दम माता रानी के आगे आपके लंबी उम्र की कामना करेली और हर दिन आपके नाम लेके रोवेली। आपके गलत फहमी भइल बा। देखा भाई, आज शुभ काम से बाहर जा रहल बाटे, तबीच रास्ते में इनकर पोछा लगावला बिना कौन जरूरी बाटे? जानबूझ के पोछा लगावत भी आई इधर। यहाँ के जौन भी काम से आज जा रहल हुई है, वो काम आज हो जाए। तोरा कैसे मालूम बारे कि कौना काम से भाई जाता? अच्छा छोड़, तू हटाओ। ए चंदा, सुना, दही लेके आवा गुड़ के साथ। मम्मी भाई के मुँह मीठा करा के भेजी। ठीक बा, लेके आवत नहीं इली। जा बेटा, हमार आशीर्वाद हमेशा तोरे साथ बा। जा। प्रणाम मम्मी। जा। प्रणाम। खुश रह। जा। आ तू महारानी हाई पोछा लेके का खड़ा बाड़ू? हाँ इंजीनियर साहब कब ले आवत रहे? अरे इंजीनियर साहब के छोड़ा भैया, भाई भीड़ देखत रहे? हाँ भीड़ तो बहुत बार है। यो आइल बड़ा सा। हाँ भी आइल बाउंस सही हो। ना ना ऐसा कौनो ने के। हाय देखा। आगे ले नया नया कुर्ता झार के। टेंडर ले वे खाते। दो साल पहले एको रोड बनावे के काम का मिल गल रहे, अपने आप के बड़का ठेकेदार समझे लगल बाटे।
जान तरह दयाशंकर भाई। हाँ भैया। हमनी किया एगो कहावत बा, का बड़का बड़का लोग डूब गए गदावा कहे कतना पानी। अरे ई टूट पुजिया के टेंडर मिली, टेंडर तो हमही के मिली। भैया भैया मत जाए आप। तहनो यहाँ के बाहुबली हुआ लो ना, हम थोड़ा एक्शन छोड़ के फैमिलियर में आ गए बने। यही से तहनो के जितना हंसक बा, जितना मजाक उड़ाक बा, जितना खुश होक बा हो लो, अगर दोबारा एक्शन में आ गई ना तो बहुते मार मार। गुस्सा दिला रहा बाड़े ताकि यहाँ मारपीट हो जाओ और हमने के नाम खराब हो जाओ। और इस सड़क के टेंडर इंजीनियर साहब ए लोग के दे दिए हैं। ऐसे सही कहा था। शांत रहा, शांत रहा। चल। नमस्ते सर। प्रणाम। नमस्ते, 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 नमस्ते। ये जनार्दन ठेकेदार कौन है? जनार्दन हम भाई साहब। वो मुरलीपुर जो नहर का काम, पुल का काम जो कराए थे, वो आप ही कराए थे? अरे हाँ, हम ही कराए थे साहब। अच्छा, साल बीता नहीं, पुल टूट भी गया और बह भी गया। और ये दयाशंकर मांझी कौन है? हम बनी दयाशंकर मांझी साहब। ये रसूलपुर से हरिपुर के मार्ग का काम आप ही कराए थे? हाँ, हमने बनवाया साहब। अच्छा, पहला बारिश हुआ नहीं और सब उखड़ गया? और कुछ महानुभाव ठेकेदारों की कुंडली हम रखे हैं और उनके पापों का हिसाब भी। और जो चक्रधारी भंडारी जी हैं उन पर तो तमाम कार्रवाई लगा हुआ। और ये अभय कौन है? जी मैं हूं सर। अच्छा अभय आप हैं, आपका तो बहुत नाम सुने और देश को आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का जरूरत है। और बनारस से पटना के बीच जो रोड का काम है वो टेंडर हम आपको देते हैं। ये लीजिए आपका टेंडर। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते। अब कब जिंदगी में तहलों को ठेका मिली ना तो अच्छा से करी हलो, काहे कि अच्छा काम की अच्छा परिणाम मिलेगा। देखला गुंजा भाभी के कदम कितना शुभ बटे। ए महारानी, अरे कितना बार कहले रानिया तहरा से कि अभय के कमरा में नहीं आवे के। चल हट, चल निकल, जाके दूसरा काम कर। समझ में नहीं आवत। अरे गुट्टी वहां का करेल भैया, अगर ऊपर से गिर जाए तो ओकरा के चोट लग जाए। गुट्टी हाँ बहुत चोट लग जाए अगर गिर जाए तो। माई गुड्डी, माई गुड्डी, माई माई तो बोल सकेली, माई माई तो बोल सकेली, हमार बिटिया, माई तो बोल सकेली। सीला, सीला हम बोल सकेली, देखी ना हमार आवाज वापस आ गई, हम बोल सकेली सीला, हम बोल सकेली, हमार आवाज वापस आ गई सीला, ए जी, माई, ए जी, हमार देखी ना आवाज वापस आ गई, हम बोल सकेली, हम बोल सकेली, तू बोल सकेलू? तुहार लाख लाख शुक्र कि ममता की आवाज वापस आ गई। देखी ना हमारे बेटी की वजह से हमारा आवाज वापस आ गई। अरे मम्मी पापा दीदी ये देखा हमारा रोड बनाने का टेंडर मिल गई। पर अरे ये सब कहा
और तालो इतना शांत काहे बाड़ लो? अबे अरे मम्मी ते बोले लगली? अरे पापा, अरे दीदी, अरे मम्मी बोले लगल हमार। अरे पापा, ये सब कैसे भइल बे? ओ बेटा, ये सब गुंजा दीदी की वजह से भइल बा। गुंजा दीदी की वजह से आज माजी बोल पावत है। गुंजा दीदी हमरा से पूछ ले रहली माजी के ना बोलला के वजह, तो हम बतौले रहनी कि अभय भैया बचपन में ना छत पर से गिर गए रहलन, तब से माजी की आवाज चल गई। और ये सब जान के गुंजा दीदी ये सब प्लान कर ली। आ गई लू? ई सब साफ करे के बा चंदा। गुरु, तू कौनो डॉक्टर बाड़ू या कौनो देवी या कौनो जादू करे लू? कौनो जादू चला के हमार और चंदा के जोड़ी फिक्स करा दो ना। तू दोनों की जोड़ी बहुत जल्दी फिक्स हो जाए, लेकिन पहले शीला दीदी और विनोद बाबू के जोड़ी फिक्स करावे के। हाँ, वो कैसे? कैसे वो बाद में पता चली। फटाफट हमार खाना बनावे में हाथ बटावा, सब इंतजार कर रहे हैं। जा जा दही लेके आवा, सब्जी काटा। ठीक बा। गुंजा के हाथ में ना कोनो जादू बा। इतना बढ़िया खाना बनाई ले बाड़ू, अब ना तू एजे रही। हा, और हाँ, काल से पूजा पाठ के सारा काम तू ही करी। हा, आज हमरा के मंदिर में विनोद बाबू मिलल रहलन। खबरदार, ई घर में होकर केहू नाम ना ली। लेकिन विनोद बाबू तो आप सबके खासकर शीला दीदी के तारीफ भी करत रहलन और उनकरा के बहुत याद भी करत रहलन। हाय मेहमान बाड़ू, मेहमान के तरह रहा। कैसे जाने लो विनोद के? अब बतौनी ना दीदी, वो हमरा के ना मंदिर में मिलल रहलन और आपके बहुत याद करत रहलन और आपके नाम लेके ना रोवत भी रहलन। वो करोई कौनो के संगे रंग रलिया मनावत होई? अब रउआ के हमरे बात पे यकीन नहीं के, अब एक काम करी, आप उनकरा के फोन लगा के खुदे पूछ ली। अब हाँ हाँ लगाई। हेलो शीला। जी शीला। अब हमके पता चल गया तू कैसे रात पड़ो। जे दिन रात हमके याद करके तू कैसे रोवत पड़ो, कैसे तू तड़पत पड़ो, सब हमके पता बा। हम काहे के रोई छी? रोए हमार दुश्मन शीला। वो गुंजा हमके सब कुछ बता देला बड़ी। ओजा अमीरन के बीच में रह के तू कैसे तड़पत पड़ो, वो सब हमके पता है। काहे रोवा ना तड़पे नहीं हमरा बिना? सच कहे शीला कि तोरे जाए के बाद हम एकदम बेचैन हो गए। हमरो में कहां जान बाजी, हम भी तो रौरा बिना बेचैन हो गए बानी। हमरा के माफ कर दी रौरा। शीला देखा, हमसे भी बहुत गलती भइल, हम तोहरा के बहुत कुछ बोल दी, तू हमरा के माफ कर दे। ना जी रौरा, माफी मत मांगी। सुनी ना, हम काले आवत आनी अपना ससुराल में। हाँ, रहुआ लगे ना, कल हम ससुराल आए और वो देवी जैसन गुंजा के ना उनके धन्यवाद कहे के बा। वो कहे के हम लोगन के मिलावे खाती वो बहुत बड़ा काम के लिए पड़ी। हाँ जी। हम इंतजार कर अब राव। ठीक बा।
दीदी। गुंजा, हमके माफ कर दा गुंजा। हम बहुत अत्याचार कहले बानी तारा पे। हमके माफ कर दा। चाय अच्छा बनल होई। वही जा रुक जा विनोद। बाबूजी, आज हम शीला के अपने घर ले जाए खेती आयल बनी। चुप रहा विनोद। हमार बिटिया कोनो लवारिस नहीं खे जो तोरा घरे जाई। अरे अरे अभाई नौकर माई बाप और भाई जिंदा बाड़े। देखा, अगर अपन सलामती चाहता रहना तो निकल जाई जासे, निकल जाई जासे। बाबूजी, शीला और हमरा बीच में अपना गंदा जुबान से हमरा बहन के नाम मत लो। अब तारा सामने कोनो रिश्ता नहीं है। बाबूजी, शीला और हमरा बीच में जौन भी गलत फहमी रहा दूर हो गई बा। इका कहा तारे दीदी पूछ ला। हाँ भाई, हमार और विनोद के बात हो चुकल बाटे। यहाँ के सही कहा था नहीं। हमरा के और विनोद के मिलावे में ना गुंजा के हाथ बाटे। और हम दोनों आपन ना गलती स्वीकार कर ले बानी जा। बाबूजी, हमनी के माफ कर दी बाबूजी। देखा शीला, तोहरे आपसी रिश्ता के बारे में ना हम पहले कुछ बोलनी ना अब कुछ बोलब। ए बेटा, तोहरे खुशी में ही हम सबके खुशी है। हाँ बाबूजी। का हो तोहार घर बस जाए, इसे बड़ और का हो सकेला। हाँ शीला के पापा, हमार बेटी के ना आज फिर से उजड़ल घर बस गईल। गुंजा, तू हमरा घरे में ना देवी के रूप में अवतार लेके आयल बाड़ू। शीला, तू करवा चौथ मना के ना अपने घर चले जाइया। अरे प्रणाम भैया। प्रणाम, काल बा हो। काल चल भैया। बहुत बढ़िया, काम धाम कैसन चल रहा बा सब? एकदम चौचक भैया। अरे वाह, जब से मजदूर सुनले बाड़े कि सड़क बनावे के ठेका मिलल है, सब समझा कि दिन रात काम करत अड़े। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात बा। देखा, जे जितने मेहनत करी उतने आगे बढ़ी, उतने पैसा कमाई। सही बात भैया, लेकिन भैया आज दोपहर तक काम हुई, ओकरा बाद काम बंद। वो का है? काहे से भैया, आज करवा चौथ था तो सब मजदूर अपन मजदूरी लेके घरे जइहन, बाजारे जइहन, मिठाई खरीद के गिफ्ट लिहन और का। ओ, आज करवा चौथ है? जी भैया। अबे भैया, बुरा ना माना एक बात कही। बोल, का बात बा भैया? माना या ना माना, जब से गुंजा भाभी तोहरा जिंदगी में आयल भैया, तब से तोहर काम दिन दुना रात चौगुना बढ़ल जात बा। बात तो सही कहता रे, जब से वाइल बड़ी सब कुछ अच्छा हो रहा बा। हमारा बहन के घर बस गई। ई बरसों से बंद ईट भट्टा के केस हमनी के जीत गनी सन। और तो और, उनकरा वजह से हमारा माई के आवाज वापस आ गई। भैया, हमार बात माने तो आपके जिंदगी में नौकरानी ना महारानी बने खातिर आयल बड़ी। भैया, कुछ रिश्ता इंसान बनावेला, लेकिन कुछ रिश्ता के ना वो भगवान बना के भेजलन। और आपके और गुंजा भाभी के रिश्ता यूहे भगवान बनेले हुन। बाबूजी के चरण शुभ हो। ते सुधरबे ना। हेत मरते, चलो पार्टी पार्टी। हमरा के और विनोद के मिलावे में ना गुंजा के हाथ बाटे। ये सब गुंजा दीदी की वजह से भइल बा। गुंजा दीदी की वजह से आज माजी बोल पावत है। गुंजा के हाथ में ना कोनो जादू बा। कितना बढ़िया खाना बनाई ले बाड़ू। देखला, गुंजा भाभी के कदम कितने शुभ बा। हाँ भैया, प्रणाम। हाय, गुंजा के फोन दे। ठीक बा भैया, देते। अबे भैया के फोन है, ली बात करी।
हेलो। का करता रू? अब घर के सारा काम हो गए, बाबूजी और विनोद जी खाना खा लेलन, गुड्डी भी खाना खा लेलस। माई और दीदी के? अब माई और दीदी जी करवा चौथ के व्रत रख लेवानी। और तू? हम खाना खाए जात बानी, हम व्रत ना रखनी। काहे ना रखबू? तू हमारे साथ शादी कर ले बड़ू, साथ फेरा ले ले बड़ू, तो तू काहे ना रखबू करवा चौथ? रखी का आज हम बहुत खुश बनी, तू जौन कुछ भी मंगबू हम सब देम तरह के। आवतनी I'm
दिमाग लगेला खराब करे। मम्मी, पापा। अरे, नीला बिटिया। हाँ। सुखिरा, सुखिरा। अरे लगते पैर मच्छी। मम्मी, हम MBBS के परीक्षा में पास हो गए नहीं। अरे भगवान, लाख लाख शुक्र बा। वाह बेटा, हमने के कितना दिन के सपना पूरा हो गई। अरे बिटिया, तू अपने माई बाबू का मान बढ़ा देलू। अरे माई बाबू के का, पूरा गाँव के मान बढ़ा देलत। मम्मी, गुंजा कहाँ बड़ी नहीं दिखाई दे। अब सुगनी के नाम ले ले लू। मम्मी, इतना नफरत तो क्यों गैर से भी ना करला, जितना तो ओकरा से कर रहल बड़ू। और ओहिजा हमार बहिन ना जाने कोना हालात में हुई, जब अपनन के बीच में इतना सतावल गई रहे तो ओजू का हो रहल हुई। कितना बार तोह लोग से हम ओकर नंबर मंगनी और ओकरा से बात करे के कोशिश करनी, और पापा तू मम्मी के डर से एगो अपना बिटिया के गुंडा मवाली के बीच में छोड़ के आ गेला। लेकिन हम अब आगल बनी अपना बहिन के नरक से वापिस लेके आए। और याद रहे, घर के नौकरानी ना हमार बहिन ही है। खुसरा, खुसरा। बहू, तू ई घर में नफरत लेके आयल रहलू, लेकिन आज सबके दिल में मोहब्बत भर देलू। जाना तड़ू बेटा, अरे अब ई घर ना तोहरे बिना भूतन के डेरा लागी। खुश रहा गुंजा, अब तू गुंजा ना ई घर के बहू बाड़ू। हाँ हाँ। और हम सब तोहरा बिना ना जी पाई। हमार बेटा तोहरा से बहुत प्यार करेला। बहू, हमार बेटा की जिंदगी ना अपन प्यार से सजा दा। खुश रहा, और तू हमार भौजाई, तू हमरे खातिर इतना कुछ कहलू, हमनी के कौनो फर्ज ना बनेला। हमरा अभय के तोहरा जैसन लक्ष्मी पूरा संसार में ना मिल सकेली। तोहार और अभय के जोड़ी विधाता बनौले बाड़न, जानता रू। अभय के तोहरा से प्यार हो गइल बा। और हमार सरहज। प्रणाम। वैसे तो हम रोवालों के गुनाहगार बानी, लेकिन एकर सजा एजा हमार बहिन भुगत रहल बिया। आज हम ओकरे के ले जाए आयल बनी। नाना, तू कौनो गुनाह नहीं कुकैलू नीलम। तू ए घर पे बहुत बड़ उपकार कैले बाड़ू। उ दिन यदि तू शादी के मंडप से ना भागल रहतू ना, त ई खेला भइले ना रहत, और हमरा घर के कुंजा जैसे बहू मिलिए ना पाइत। बहू? हाँ बहू, जेकरा के हम
एजा नौकरानी बना के लाइल रहनी ना, आज वही खानदान के रानी ही है। विश्वास नहीं किया होता छोटी, तू डॉक्टर बन गई लो? हाँ दीदी, हम डॉक्टर बन गई नहीं, और घरे गई नहीं है तो पता चला ना कि तू एजुएल बड़ू, तई खुशी शेयर करे खातिर और तरह के ले जाए खातिर हम आइल बनी। जीजा जी जरूर चली ना, अभी गुंजा चल जहन, हम एक दो दिन बाद आए। सुनो चलो कुछ खा पी लो। पापा, मम्मी। अरे मम्मी, चौधरी खानदान की बहू आयल बड़ी, आरती उतारा। देख रहा बड़ू मम्मी, जेकरा के तू नौकरानी बना के भेजले रलू हा, आज चौधरी खानदान के बहू बन के आयल बड़ी। तहार बुद्धि और हमार जिंदगी भर के पढ़ाई ये अनपढ़ गुंजा के आगे सब फेल हो गई। हाँ? छोटी बहिन, ये सब का कहत बाड़ू? अरे हट, कैसन छोटी कैसन बहिन, तो के पता बा मम्मी का ये अभे के बारे में हमरा से अनाप सनाप बोल के अभे से शादी तो होइलस। हाँ? और शादी के दिन हमरा के ई भगा देलस। रे ई सब सचना है, ई सचना है, तोरा के ना गलतफहमी हो गेल बा, हम तोरा के समझा। अरे कैसन गलतफहमी, कैसन सच, अरे छुप छुप के तोरा से प्यार कैनी, तोरा के कपड़ा देनी, लत्ता देनी, और लेकिन तू तू नागिन बन के अपनी ही बहन के घर पे डस दे लू हा। अरे पता बा मम्मी, एकर अभे से पहले से ही लफड़ा चलत रहे, जब अभे के रिश्ता हमरा खातिर आयल तबे एकरा मन में जलन के भावना समा गई और हमरा के अभे के खिलाफ अनाप सुना बोले लागल। अभे गुंडा हा, अभे मवाली हा, चौधरी खानदान में शादी मत कर, और अपने आज आज गुंडा मवाल से शादी करके ओकर बीबी बन के चौधरी खानदान के बहू बन के तोके बड़ा मजा आवत है। छोटी छोटी, तोरा के गलत फहमी हो गई, हम तोरा के सब समझावत है। छोटी छोटी, अरे कलमुनी, जब ने हमरा से बदला ना ले सकले तो हमार बेटी से बदला लेता रे। हम तोहर खाल निकाल देब। काजी, बड़ा भतीजी पे प्यार आवत रहे ना, अब देखा हम तू लोग के का हाल करिला। ई सचना है, ई सचना है, हमार बात सुनी बाबूजी, ई सचना है, ओकरा गलत फहमी हो गेल बा। छोटी छोटी, सुना हमार बात छोटी। हेलो, हम नीलम बोला था। नी हाँ बोला। कहाँ बड़ा? अपना फार्म हाउस में। हमरा तारा से मिले के बा, कुछ काम बा। हाँ ठीक बा, आजा। ठीक बा, हम आवत नी। हाँ,
इतना नीचे गिर जाइबू हम कबो सोच भी नहीं की सकत। लेकिन अभे हम तेरा बिना नहीं रह सकत और हम तेरे से अभी भी बहुत प्यार करेनी। अब हम सिर्फ और सिर्फ गुंजा से प्यार करेनी। निकल जा हमारा आंखी के सामने से और आज के बाद कबो अपन सकल मत दिखाई। अपने किए भी बहुत शर्मिंदा बने तरह के अनाप सनाप भी बोलने बने लेकिन तरह का थी हम दूध ले केल बने ला पिया अरे काहे रोवो तरू ला पिया ना तो के का लगता ए में हम जहर मिले बने अच्छा ठीक बा हम पी ले तनी छोटी छोटी हम तोरा से इतना प्यार कर ली ना कि अगर ये बस जहर भी मिलावल होई ना तब हम पी ले पिया का भाई पिया ना काबल ये ना
गुंजा कहाँ भी आ रहे?
गुंजा के खेल खत्म। अब नीलम के बारे में सोचा? अरे जवान लड़की जिंदगी भर नौकरानी बन के तनी के सेवा कैलस, अपन जिंदगी कुर्बान कर दलस, ओकरा के तनी के जहर दे देलु सन। तोरा का पता रे कि करवा चौथ के दिन हमारे से का मांगले रहे? आज तू मांगा जोन कुछ भी तरह मांगे के बा, हम सब कुछ दम तरह के। रूह हमरा के माफ करती, जाने अनजाने में हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई। ओ दिन ओ लड़का लोगन से मार करत देख के ना हम रूह के बारे में अनाप शनाप सोचे लगनी। हमरा वजह से आप सबकी इतना बेइज्जती भई, हमरा वजह से हमार बहन शादी छोड़कर भाग गई। लेकिन वो दिन जब रउआ लोग बुद्धन के लिए जौन कैली ना, ओकरा से हमार मन के सारा भ्रम दूर हो गई। रउआ हमरा के माफ कर दी। गुंजा हम तर के माफ कर देनी, हमनी के बीच में जौन कुछ भी भई ये भगवान के बनावल एक संजोग रहे, विधि के विधान के केहू काट सकता। आज वह भगवान देखा हमनी के मिला दहले। आज हम तरह के वचन देता नहीं कि तू जौन कुछ भी मंगबो हम तरह के दिल खोल के दे। रहुआ हमरा के तलाक दे दी। गुंजा ये का बकवास कर रहा बड़ू? रहुआ हमरा के वचन देले रहनी कि आज हम जवन मागब हमरा के मिली। रहुआ हमरा के तलाक दे के हमरे बहन से शादी कर ली, हमरी वजह से हमार बहन की जिंदगी खराब भइल बा। हमरा के ये पाप से मुक्ति दे दी, हमरा के तलाक दे के हमार बहन से शादी कर ली। ये कब्बो नहीं क्या हो सका? प्यार तो सिर्फ प्यार से होला, जबरदस्ती ना। और तू सासू माँ, माई के नाम तो पूरा दुनिया में बदनाम कर दहलू। अरे माई के मतलब होला ममता, दया, करुणा। अरे माई तो देवी के रूप होले, और ते तो चुड़ैल से भी बड़ा चुड़ैल बड़े। ए गुंजा, ए गुंजा, अबे गुंजा के, ए बबलू, ये तो खून लग, ए गुंजा, ए, रे हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। जिया, कहाँ हो गए तेरा के? अगर गुंजा के कुछ हो गई तो तोरी लोगन से हमार जिंदगी भर खाती रिश्ता खत्म। तू अपने आप के विधवा समझिए, तू लावारिस। सब ठीक हो जाए, मत रो, भगवान सब ठीक करी है बेटा। ऊपर वाला पर भरोसा रखा। सब ठीक हो जाए मैडम। कैसी हैं?
आपका हमने पॉइजन निकाल दिया है। आप रिलैक्स रहो, आप ठीक हो गई हो, इनको आराम करने दो, तुम लोग चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब गुंजा कैसी है? ठीक है, खतरे से बाहर है, आप लोग जाके मिल सकते हैं। चल चल चल। हे भगवान, रखा आराम से। बहन, हमरा के माफ कर दियो, गलत फहमी में जो कुछ भी भइल बा हमके माफ कर दियो। छोटी तेरा प्यार के ना समझ पाई बहन, सारा जिंदगी हम तोरा के अपशगुनी कहानी, अपशगुनी तो हम बानी। पहले तोर काका की जिंदगी जहर कर देली, तोरा के जहर दे के मारे की कोशिश करनी, हम अपने आप के विधाता सोचे लगनी, हम बुला गई नी कि नौकरे आके के हो के ना चलेला, हम मार का औकात बा। हे बेटा माफ कर दे, हम भाई के माफ कर दे। ना माई, माई, ना माई, ना। आज से हमारे एगो बेटी ना, दूगो बेटी भी आ, हम तार भाई, हम तार भाई। हम ना दिलवा के ही है बचा